हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ 2 अगस्त 2019 को एमटीएस का जो पेपर हुआ था। यस, एमटीएस का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर शिफ्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। शिफ्ट 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, शिफ्ट 2 डिस्कस हो चुकी है, अभी हम शिफ्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं और शिफ्ट 3 के भी कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के बाकी के क्वेश्चंस चेक करने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। ओके, यस, अभी आज मैं आप लोगों के साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं हम। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो क्यूबॉइड इज 340 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ एंड breadth of the cuboid are 10 cm and 8 cm respectively, then what is the length of the longest stick that can be fitted inside the cuboid? Okay, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या find out करना है कि कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी length की stick उसके अंदर हम कितनी लंबी डाल सकते हैं, ये question है। अब यहाँ पे जो point है कि हमें given क्या है, हमारे पास में दो points given है, क्या है, दो dimension। हाँ जी, 10 cm and 8 cm length और breadth given है, but height given नहीं है। कोई बात नहीं, साथ में हमारे पास में और भी कुछ गिवन है, क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें पता है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, अब देखो जब भी आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है तो देखिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो फॉर्मूलाज तो सभी ने लर्न करने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हाँ जी कितना आएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, और ये हमारे पास में कितना गिवन है, 340 गिवन, कितना गिवन है, 340 गिवन। अब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी कितनी, 10 एंड 8, अगर 10 और 8 है तो क्या आ गया हमारे पास में वैल्यू, यस, 2 इंटू 10 इंटू 8 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ कितनी है, 8 एच हो गया, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, दैट मीन्स कि 10 एच हो गया, इज इक्वल टू 340। अब यहाँ से देखिए आप, इसको अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करती हूँ तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 170 आ गया, कितना आ गया, 170 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 80 प्लस 18 एच इज इक्वल टू 170, दैट मीन्स वट, 18 एच इज इक्वल टू 90 एंड एच विल बी 5, वी हैव हाइट 5। ओके, अब हमारे पास में तीनों डायमेंशन आ गई है, क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या है क्वेश्चन, वट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर लॉन्गेस्ट स्टिक कौन सी फिट हो सकती है, हाँ जी, उसके डायगनल के इक्वल, ठीक है। और डायगनल यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, यस, डायगनल का फॉर्मूला आई होप सभी को पता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं आपके पास में, यस, लेंथ कितनी है, 10, दैट मीन्स की 10 स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 8, दैट मीन्स 8 स्क्वायर एंड हाइट हमारे अभी फाइंड आउट करिए कितनी हो गई, 5 स्क्वायर। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 100 प्लस 64 प्लस 25, दैट मीन्स रूट ऑफ 189 एंड यू कैन राइट दिस लाइक 9 इंटू 21। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट 21 आ जाएगा, सो आंसर क्या आ जाएगा, 3√21। यस, दिस इज 3√21, सो आंसर विल बी 3√21। बताइए किसी को कोई भी डाउट, हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 10 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो अब उस केस के अंदर वैल्यूज क्या होती है, मल्टीपल होती है। ध्यान रखो कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी मल्टीपल होगी उतने ही नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम में उतनी ही मल्टीपल होगी वैल्यू। देखो कैसे,
यहाँ पे क्या कह रहा है, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 10 years. अगर मेरे पास में जो सम है मेरे पास में मान लो 1 lakh rupees, ठीक है, मेरे पास में 1 lakh rupees 3 years के बाद में, सॉरी क्या गिवन है आपके पास 10 years, क्या कह रहे हैं 10 years के बाद में मनी कितना हो गया, 3 times हो गया, कितना हो गया 3 times हो गया. दैट मीन्स कि अगले 10 years के अंदर मनी कितना होगा, हाँ जी, अगर यहाँ पे उसने कहा है कि 3 times हो गया, मीन्स कि 3 गुना हो गया, कितने साल में, 10 साल में, तो ये 10 साल कॉन्स्टेंट रखो और ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा, मीन्स कि अगले 3 साल में, अगले 10 साल के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, फिर 3 गुना हो जाएगी, अगले 10 साल में फिर 3 गुना हो जाएगी. पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या करे, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 81 times, 81 times कब होगी, ठीक है. अब देखो यहाँ पे 3 गुना होगी, अगले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 3 गुना होगी, 3 times 9, ठीक है. अगले अगर मैं बात करूं 10 साल की तो फिर 3 गुना हो जाएगी, कितनी होगी, 9 times 27, और अगले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 27 times 81. हर बार क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है. और क्वेश्चन क्या है कि 81 टाइम्स कितने सालों के बाद होगी, तो यहाँ पे आप देखो 10, 20, 30 और 40 कितने साल के बाद हो रही है, 40 years के बाद में. सो आंसर विल बी 40 years. ओके, हाँ जी, बिल्कुल सिंपल था, अगर कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड रहीम इज 4:3. ये वाले टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी और भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसिस इज 3:2. इफ ईच सेव्स 5,000 पर मंथ, कहता है कि अगर वो हर महीने कितना बचा रहे, 5,000 रुपये बचा रहे, देन वट इज द रेस्पेक्टिव मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम, राम और रहीम की मंथली कितने होंगे. अब इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ट्रिक से भी बताऊंगी मैं आपको और एक्स के मेथड से भी बताऊंगी. देखो जब आपके पास में रेशियो गिवन है ना, रेशियो, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या कहा, राम है और दूसरा कौन है पर्सन हमारे पास में, रहीम है, ठीक है. तो इसने रेशियो क्या दिया हमारे पास में, 4:3. जब रेशियो है 3, तो जो रेशियो का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो मैं इसको भी एक सेम कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देखो, उसने कहा कि दोनों के दोनों 5,000 रुपये बचाते हैं और उनका खर्चा कितने की रेशियो कितनी है, 3:2. अब सीधी सी बात है, अगर इनकम में से, इनकम के अंदर से मैं सेविंग माइनस कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर ही आएगा. अगर मैं इनकम के अंदर से सेविंग को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा ऑब्वियसली. दैट मींस व्हाट, कि अगर मैं इसके अंदर से 5,000 रुपये माइनस कर दूं, ठीक है, और इसके अंदर से भी 5,000 रुपये माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेंडिचर की रेशियो आ जाएगी, और एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है, 3:2. हाँ जी बताइए, ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल सभी को, सभी को क्लियर है. देखो अगर एक्स और वाई वे लेके आप करोगे तो उसमें आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जानी है, हाँ जी, अगर मैं इनकम लूँ 4x 3x, ठीक है, एक्सपेंडिचर लूँ 3y and 2y, उसके बाद माइनस करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाना है, ऐसे नहीं करना किसी ने भी. सिंपल देखो कि अगर मान लो मैं इनकम के अंदर से सेविंग को माइनस करती हूँ तो मेरे पास में आएगा क्या, एक्सपेंडिचर ही आएगा ना, ठीक है. तो यहाँ पे देखो अपने पास में रेशियो कितनी आ गई है, इसको आप सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई, 8x - 10,000 इज इक्वल टू 9x - 15,000. ओके, तो ये हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5,000, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000. अब देखो ये कितना है, 4 कितनी होगी, हाँ जी, राम की वैल्यू कितनी थी, 4x है, दैट मीन्स कि राम की इनकम कितनी होगी हमारे पास में, 4 × 5,000 = 20,000. दिस इज इक्वल टू, ओके, और रहीम की अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो रहीम की कितनी है, रहीम कितना है, 3x, रेशियो 3 थी ना, तो 3 × 5,000 कितना आ गया आपके पास, 15,000. ओके,
सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 20,000 and 15,000। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, एक और मेथड है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, राम और रहीम दोनों के रेशियो गिवन है आपके पास में कितने, 4:3। जब 5,000 रुपये माइनस कर रहे हैं तो नई रेशियो क्या बन रही है हमारे पास में, दोनों में सेम वैल्यू माइनस कर रहे हैं कितने, 5,000। तो नई रेशियो क्या आपके पास में, 3:2। क्लियर? अब देखो, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है राम की, तो राम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, राम की रेशियो लेंगे इंटू सेविंग इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस। कितना हो गया, 9 - 8, 1 कितना आ गया, 20,000। बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से रहीम की फाइंड आउट करोगे, रहीम कितना है रेशियो, 3। हाँ जी, डिफरेंस कितने का है, 5,000 का। नई रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1 का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस कितना है, 1 का, कितना आ गया, 15,000। ओके, तो आंसर क्या आ गया, आगे 20,000 15,000। जो आपको इजी मेथड लगता है वो यूज़ कर लो, पर सही करके आना एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल करेक्ट करके आना। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ए बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कह रहा है, डाउनस्ट्रीम के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में वो कवर कर रहा है, ये गिवन है। इट कैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 5 आवर्स व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम। मींस अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है, हाँ जी, 90 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ये हमारे पास गिवन है। अब हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, वाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है आपको और स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब देखो, पहले मुझे अगर बोट की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अपस्ट्रीम दोनों स्पीड अगर मुझे पता है, इन दैट केस आई कैन ईजिली फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हाँ जी, डाउन स्ट्रीम कितनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 60 / 3 दैट मीन्स कि 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करूँ तो अपस्ट्रीम कितनी है, 90 / 5 दैट मीन्स 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि बोट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है और स्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या है। बोट की स्पीड क्या होती है, हाँ जी, स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, और जो आपके पास में स्पीड किसकी है, स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम अप स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। मीन्स माइनस करना एक साइड, प्लस करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ कितना आ गया, 38 / 2 मीन्स 19। और अगर हम रेशियो देखते हैं, ठीक है, तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 20 - 18 = 2 दैट मींस 1, दैट मींस की रेशियो क्या आ गया आपके पास, 19:1। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 19:1। बताओ कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसमें, बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो बेटा, जब प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मेन बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि हमें ये पता चल जाता है कि इन इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी नया क्वेश्चन आता है, तो पहले हमने ये देखना है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन है, और ये वाला टॉपिक मुझे आता है, अगर नहीं आता है तो उस टॉपिक को मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने सोच के चलना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स ऑन ए प्रिंसिपल इज 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइम गिवन है आपके पास में कितना 9 ईयर्स। मैं कंसीडर कर लेती हूँ प्रिंसिपल कितना है, पी है, और उसने क्या कहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3/5 ऑफ पी है। ठीक है, अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल सा है, दैट मीन्स कि 3/5 पी इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना है 9 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। ओके, पी से पी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया हमारे पास में 20। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस आर इज इक्वल टू 20/3। ओके, डायरेक्टली कर सकते हो या इस तरह से रेट का फॉर्मूला भी हमारे पास में क्या हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास में पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो रेट क्या हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ओके, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। यस, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी आप पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लो। अगर मान लो आप कहते हो कि हाँ जी मुझे परसेंटेज भी आता है, मुझे प्रॉफिट लॉस भी आता है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेना चाहोगे ना, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ले सकते हो। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो ना मेंसुरेशन के अंदर 3D में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ 3D लो ना। तो इसके लिए अभी पीडिया ने माइक्रो कोर्सेज लेके आया है। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जाना है तो आपने क्या करना है, माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, हाँ जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज लिखा हुआ है, क्या है, माइक्रो कोर्सेज। जब आप माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ से अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो, और भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर लाइक GS के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो ले सकते हो। ओके, और आगे भी आपके पास है फ्रीडम है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है वीडियो लेक्चर लो, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके, यस, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 8 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क अलोन इन 21 डेज, इफ दे वर्क टूगेदर फॉर 3 डेज देन हाउ मच वर्क इज कम्प्लीटेड, करा कितना काम हो गया। अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए काम है कितना, है कितना, तभी पता चलेगा ना कितना काम हो गया। तो देखो ए जो है वो 8 डेज में वर्क को कम्प्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और बी कितने दिनों में खत्म कर रहा है उसको, 21 डेज के अंदर। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाँ जी LCM फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, 168 आ गया। ओके, अब मैंने देखना है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, मीन्स 168 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया हमारे पास 21, और इसका आ गया हमारे पास 8। ओके, दैट मीन्स कि अगर ए और बी दोनों एक दिन काम करते हैं तो एक दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे, हाँ जी 21 यूनिट ये करेगा और 8 यूनिट ये करेगा, दैट मीन्स कि एक दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने, 29 यूनिट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या था कि भी 3 दिन तक उन्होंने काम किया है, 3 दिन तक, दैट मीन्स कि 3 डेज के अंदर कितना वर्क कर लेंगे वो, 29 × 3। ओके, कितना काम कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें बताना है कि भाई टोटल का कितना कर लेंगे, क्वेश्चन क्या है कि टोटल वर्क का कितना वर्क कर लेंगे, देन हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो कितना काम हो गया, यस वर्क डन, अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, 29/3 × 3 हो गया, किसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। ठीक है, हाँ जी, इसको कैंसिल आउट किया हमने, तो ये हो गया 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, क्लियर, हाँ जी। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 29/56 वर्क हो गया। ओके, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 29/56। बताइए कोई डाउट इसमें, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बिल्कुल समझ आ गया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी सभी को दिखाई दे रहे, ये क्या है आपके पास में, एक बार फिर दोबारा लिख देते हैं, दिस इज 3/7,
डिवाइडेड बाय 9/21 प्लस 2 माइनस 4/3 प्लस 1/2 ऑफ 12/5 इंटू 25/18 डिवाइडेड बाय 5/9। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो आई होप सभी को अभी क्लियर है बिल्कुल। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं हम, हाँ जी वी बोर्ड मास फॉर्मूला से करते हैं। ओके दैट मीन्स कि सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, पहले इधर से अगर हम देखेंगे तो ऑफ को डिव करेंगे, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लीकेशन को, और उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। ठीक है तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो क्या आ जाएगा 3/7 मल्टीप्लीकेशन के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है तो क्या आ जाएगा 21/9 प्लस 2 माइनस 4/3 प्लस 1/2 ऑफ 12/5। दैट मीन्स कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऑफ की जगह पे क्या आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है इंटू 25/18 इंटू कितना आ जाएगा 9/5। ओके ये देखो ये हो गया आपके पास में 7 21 और ये अपने पास में कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है प्लस ये 2 एज इट इज लिख देंगे प्लस 4/3 हाँ जी माइनस है सॉरी माइनस 4/3 प्लस। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास 6, ये हो गया 5, इस 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 9 से 2 और ये हो गया हमारे पास 3, दैट मीन्स कि प्लस 3। हाँ जी क्लियर, कितना हो गया आपके पास में प्लस 3। टोटल वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 3 ये और 3 टोटल कितना हो गया 6 माइनस 4/3। ओके तो ये आपको सोल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास में हाँ जी 18 माइनस 4 कितना हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाई 3 सो आंसर विल बी 14 डिवाइडेड बाई 3। ओके यस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके पास क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे देखो जब भी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा एक है, एक तो तरीका ये होगा कि हाँ जी पूरे 6 के 6 नंबर लो फिर उनको ऐड करो फिर डिवाइड करो, ऐसे करने की जरूरत नहीं। जब उसने नेचुरल नंबर कहा है तो नेचुरल नंबर अगर मैं देखूँ फर्स्ट नेचुरल नंबर, 6 नेचुरल नंबर अगर हम बात करें क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर इसकी एवरेज देखनी है तो देखो 2 इधर से छोड़ दो, आप 2 इधर से छोड़ दो, बच गए ये 2, 3 प्लस 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस कि एवरेज कितनी आ गई आपके पास में 3.5। ठीक है ये एवरेज किसकी आ गई हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स की एवरेज आ गई, बट हमें क्या फाइंड आउट करना मल्टीपल ऑफ 3। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी मल्टीपल की बात हो रही है तो एवरेज भी मल्टीपल हो जाएगी। तो एवरेज यहाँ पे आपके पास में अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 की बात करती हूँ दैट मीन्स कि 3.5 को आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है कितना आ जाएगा 10.5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10.5। ओके हाँ जी डायरेक्ट आंसर है, अगर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल का है उसने 3 के मल्टीपल उठा लो क्या आ गया 3 6 ओके क्लियर, सभी को जोड़ो और 6 से आपके पास में 6 से मल्टीप्लाई कर दो खत्म आंसर आ जाएगा। ठीक है या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अगेन इसके अंदर भी इसको छोड़ दो इनकी मिड वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या, ए ट्रेन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 56 सेकंड्स, इट क्रॉसेस अनदर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड्स, एक को 50 सेकंड में क्रॉस करे दूसरे को 60 सेकंड में क्रॉस करे, व्हाट आर द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो ये क्वेश्चन अगर वैसे लॉजिकली हम सोचे तो कितना इजी क्वेश्चन है भाई, दोनों के अंदर जो ट्रेन है ट्रेन की लेंथ तो इक्वल ही है, ट्रेन की लेंथ तो हमारे पास इक्वल ही है, दैट मीन्स कि जो डिफरेंस आ रहा है टाइम के अंदर वो किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है प्लेटफॉर्म की वजह से। अब देखो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये 600 मीटर का है और ये वाला प्लेटफॉर्म कितने का है 900 मीटर का है, दैट मीन्स कि डिफरेंस कितना है, यस डिफरेंस इन लेंथ कितना आ गया 900 माइनस 600, दो मेथड से करवा रही हूं मैं आपको, पहले डायरेक्ट बता रही हूँ ठीक है 300 आ गया, और यहाँ पे आपके पास में टाइम डिफरेंस अगर मैं देखूं
टाइम डिफरेंस कितना है? ये 60 है, ये 50 है, दैट मीन्स कितना आ गया? 10 सेकेंड्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास में? स्पीड होगी 300 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स कि 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसको मीटर पर, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी होगी? 30 × 18/5, 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितनी आ गई हमारे पास स्पीड? इतनी आ गई, ठीक है। अब अगर मेरे पास स्पीड है तो उसके बाद में हम लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या लेनी हमें, जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो पहला केस ले लो, क्या कह रहा है? 600 मीटर ये हो गया प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ अगर मैं लेके चलूं, तो मान लेते हैं हम ट्रेन की लेंथ होगी ये, ट्रेन की लेंथ ही होगी, हाँ जी, डिवाइडेड बाय व्हाट? 50 इज इक्वल टू कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी आपके पास में? यस, 1500 माइनस 600 कितना हो गया आपके पास में? 900 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 900 मीटर एंड 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, वन मेथड। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए अपने पास में हमें पता है कि जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब फर्स्ट केस के अंदर कितनी है? 600, मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है? एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड तो दोनों की सेम ही है ना, स्पीड ट्रेन तो वही है, एक ही ट्रेन है, उसकी लेंथ और स्पीड दोनों सेम रहेगी। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी दूसरे की केस लूँ तो यहाँ पे कितना है? 900, और ट्रेन की लेंथ कितनी है? एक्स, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 60 सेकेंड्स। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3600 प्लस 6x इज इक्वल टू 4500 प्लस 5x। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 900। दैट x क्या लिया था हमने? ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई आपके पास में? 900 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया 900। अब हमने स्पीड फाइंड आउट करने, किसी भी एक में पुट कर दो तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास में? यस, इसमें पुट कर रही हूँ मैं, 600 प्लस 900, 1500 डिवाइडेड बाई 50, दैट मीन्स कि 30 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो वही है, इंटू 18/5, ओके। तो आंसर क्या आ गया दोनों केसेस में? सेम ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन? कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास में? यस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपके पास पाई आर एल। अब हमें गिवन क्या है? यस, ये कौन है? गिवन क्या है आपके पास में? हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन, दैट मींस कि ये गिवन है मेरे पास 5, ठीक है। बेस रेडियस ये मेरे पास में गिवन है कितना? 12, डन। अब मुझे ये स्लांटिंग हाइट फाइंड आउट करनी है, स्लांटिंग लेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर हम पाइथागोरस भी लगाते हैं तो एल की वैल्यू क्या होगी? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मींस कितना हो गया हमारे पास? 169 का स्क्वायर रूट मींस 13। ओके, अब हमने क्या करना है? यस, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है आपके पास में? पाई आर, आर की वैल्यू आपके पास 12 और एल की वैल्यू है 13, कितना आ जाएगा? 156 पाई। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अंदर पाई ही लिखा हो तो हम क्यों वैल्यू लें? अगर कुछ वैल्यूज होती तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते, 20/22/7 या फिर 3.14, जो भी आपके पास में गिवन होता। तो अभी जस्ट पाई ही लिखा हो तो हम भी यही ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, कह रहा पाइप पी कैन फिल ए टैंक अलोन इन 7 आवर्स, पाइप क्यू कैन फिल द सेम टैंक अलोन इन 13 आवर्स, इन हाउ मच टाइम दे टूगेदर फिल द टैंक? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, पी कितना टाइम ले रहे हैं? 7 आवर्स, क्यू 13 आवर्स,
दैट मीन्स कि अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें टैंक की, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 91 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ये कितनी आ जाएगी 13 और इसकी हो जाएगी हमारे पास में 7। अब क्या कह रहा है, इफ टुगेदर फिल, टुगेदर मीन्स पी और क्यू दोनों ओपन है, पी और क्यू दोनों ओपन है तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 20, ठीक है। कितना आ गया ये 13 × 7 = 91/20, 20 × 80 11/20 मीन्स 4:11/20 आवर्स आ गए। अब 11/20 आवर्स है, हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 4 आवर तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट है, 11/20 11/20 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, तो ये मिनट में कन्वर्ट करेंगे सॉरी आर से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 33 मिनट्स। सो आंसर विल बी 4 hours and 33 minutes, 4 hours and 33 minutes। ओके क्लियर है सभी को? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर थ्री नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 एंड द देन ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 4:5। If the sum of three numbers is 140, then what is the second number? तो कह रहा बताओ second number क्या होगा? Okay? ये आपको find out करना। अब देखो जब आपके पास में ratio given है, क्या है? First number, second number and third number. First and second की ratio कितनी है? 2:3 है। इसको मैंने लिख लिया 2:3. ठीक है? Third, second और third की ratio कितनी है? 4:5. अब मुझे तीनों की combined ratio चाहिए। कंबाइंड रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कितने आ गए 8:12:15। तीनों की रेशियो क्या आ गई 8:12:15 एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। अब हमारे पास में सम गिवन है 140 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हमारे पास, यस 12 डिवाइडेड बाई sum of these values, this is equal to 35 into total sum जो given है, कितना है 140, कितना हो गया 48, so answer will be 48। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, जिस भी चैनल पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जिस पे भी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हुए हो, तो उसके ऊपर शेयर जरूर करेंगे अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है, कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 6, 9, 13, 8, 3, 2, 5, 7 and 11। मीडियन फाइंड आउट करनी है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले जो भी आपके पास में रैंडम नंबर्स गिवन है उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मेंशन लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो मिड टर्म होगी दैट विल बी योर मीडियन, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं क्या आएगा सबसे पहले, यस 2, 3 देन 5, 6, 9, 8, 13 सॉरी 11 भी है बीच में, से पहले 13 से पहले 11 एंड देन 30। ओके, कितने नंबर्स है, 2, 4, 6, 8 नौ नंबर है, 2, 4, 6, 8 एक रह गया आपका मिसिंग, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 4, 6, 8 ये कितने, 2, 4, 6, 8 9 एक नंबर रह गया, कौन सा रह गया, 2 हो गया, 3 हो गया आपके पास, 5, 7 6 के बाद 7 नहीं लिखा हमने, 7 भी लिख लेते हैं, 4 ठीक है, और 4 हम इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में कौन सा रह गया 7, सो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 7 बिल्कुल द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना है, जितने भी नंबर्स गिवन है सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, असेंडिंग में लिख लो, उसके बाद में जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ओड टर्म्स है तो बीच वाला नंबर उठा लेंगे, इवन टर्म्स है तो बीच के जो दो नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी योर आंसर।
ओके हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी डाउट, क्लियर है? ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। आपकी थर्ड शिफ्ट मैं पूरी डिस्कस कर चुकी हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, टोटल 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।